नमस्कार दोस्तों, आईडीसी डिजिटल प्रिंटर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत समय के बाद आज वीडियो आई है चैनल पे, तो आज की वीडियो हम लेके आए हैं आपकी डीसी 250, 550 या 777 की मशीनों में, या तो फिर ये कह सकते हैं C70 में भी सेम डीपी लगभग होता है, तो गियर ऐसे ही चेंज होते हैं उसके भी। तो डीपी के गियर कैसे चेंज हो, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम होती है कि उसके गियर कट जाने की वजह से आपका प्रिंट आना जो है वो येलो एकदम से आना बंद हो गया, ब्लैक आना बंद हो गया, मजेंटा आना बंद हो गया, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि बिल्कुल लाइट होते 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 बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो सडनली पता चलता है कि हमारे डीपी के गियर कट गए। तो डीपी के गियर आखिरकार चेंज कैसे होते हैं, तो आज जो हमने वीडियो बनाई है वो इसी पर बनाई है कि डीपी के गियर कैसे हम लोग चेंज करें, 250 या 252 या फिर आपकी 550, 560, C70 में भी ये काम करता है, ऐसी बात नहीं है। तो पहले आप वीडियो देखिए, फिर वीडियो के एंड में हम कुछ विषय में बात। तो सबसे पहले आप अपनी डीपी को मशीन से बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालने के बाद से किसी भी प्लेन सरफेस पर रख लीजिएगा। उसके बाद जैसे कि हमने पहले ही निकाल ली है डीपी, और इसका हमने डेवलपर भी ड्रेन कर लिया है, निकाल लिया है वैसे हम लोगों ने, क्योंकि हमें इसको क्लीन करना था। और इसमें दो पेच लगे होते हैं, एक इस तरफ में और एक इस तरफ में, दोनों साइड में पेच आप खोल लेंगे। उसके बाद से आप कवर खोल लीजिए, ये हमने इसका पहले से ही डेवलपर ड्रेन कर लिया। अब हमें क्या करना है, डीपी के गियर कौन से होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डीपी के गियर होते हैं ये एक और दो, ये दोनों ही गियर हम लोग चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करते हैं वो आप देखिए वीडियो में। ये लॉक निकाल लेंगे आप, यहां पे एक लॉक होता है, ये छोटा सा लॉक निकलेगा, उसके बाद से ये बाहर बेयरिंग भी निकल जाएगी फिर आपकी, फिर आपको ये गियर निकाल लेना है। उसके बाद से ये वाला जो प्लास्टिक वाला लॉक जो है, ये प्लास्टिक वाला लॉक आपको निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा वो देखिए, तो ये प्लास्टिक वाला लॉक निकाल रहे हैं अभी हम लोग। ये थोड़ा सा हैवी निकलता है, थोड़ा ध्यान से आप इसे निकालिएगा। मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ, आप कोई भी पेचकस फंसा के इस तरीके से आसानी से निकाल लीजिए। ये एक साइड से जैसे ही निकल जाएगा फिर ईजिली, जैसे वो छोटी वाली जो रॉड है वहाँ से अगर निकल जाएगा तो ईजिली बाहर आ जाएगा। दूसरी साइड से बाहर निकालो, हाँ ये एक साइड से ये बाहर आ गया, अब इसे आराम से निकाल सकते हैं। अब क्या करना है हमें, नीचे वाला बड़ा वाला गियर जो आप देख रहे हैं जो अभी मूव किया था उसको बाहर निकालना है। उसको हल्का सा नीचे की तरफ प्रेस करके उसे बाहर निकाल लीजिए। उससे पहले एक काम और करना है आपको, ये रॉड होती है साइड में ये वाली, इसका लॉक निकालना है, और ये रॉड साइड में, ये गियर निकल गया। अब ये छोटा वाला गियर निकल जाएगा,
अब हम क्या करेंगे, नया गियर डालेंगे इसके अंदर। तो अभी हम इसमें गियर चेंज करेंगे, तो ये हम उठाएंगे गियर। दो तरह दो गियर होते हैं इसमें, एक बड़ा गियर होता है और एक होता है छोटा गियर। ये दोनों गियर हमने निकाल लिए, अब ये दोनों गियर लगेंगे। ये आप गियर देख लीजिए, पहले वाले गियर और अब के गियर में आपको अंतर दिख गया होगा। इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिस वजह से हम इसे चेंज कर रहे हैं। अब पहले सबसे पहले जो जाएगा, अब ये आप देख रहे हैं, पहले लगेगा छोटा वाला गियर, उसके बाद से फिर ये हमारा बड़ा वाला गियर। लेकिन हमें बड़ा वाला गियर अभी नहीं लगाना है, सबसे पहले हम छोटे वाले के साथ में जो सबसे बड़ा वाला गियर जो है, सबसे बड़ा वाला गियर पहले हम वो लगाएंगे, ये वाला। ये हमारा उधर से पीछे की साइड से थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है तब ये लॉक हो जाता है। पीछे की साइड मतलब मैं आपको अगर दिखाऊं, पीछे की साइड मतलब ये वाला, ये वाला आप जैसी प्रेस करेंगे तुरंत के तुरंत उधर वो लॉक हो जाएगा। फिर हम लोग वापसी अपने इस पे आएंगे। अब हम क्या करेंगे, बड़ा वाला गियर लगाएंगे। इसमें ध्यान देना है कि कट है, अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाऊं तो ये देख रहे होंगे गियर में भी कट बना हुआ है और उसके बाद से यहाँ पे भी शाफ्ट पे भी कट है। ये कट के अंदर ही आना चाहिए, इसके कट वहीं पे सेट होगा ये। तो अभी ये लगाते हैं गियर। और ये हमारा सेट हो गया। अब वापसी हमें वो शाफ्ट लगानी है। ये हमारी शाफ्ट लग गई। तो हम ये लॉक लगाएंगे। पोजीशन देख लीजिएगा, इसी तरह से पोजीशन रहेगी। एक बार आप पोजीशन देख लीजिए ये, और फिर लगाना है आपको। अभी क्या है कि ये थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, तो हम लोग इस पर WD-40 यूज़ करेंगे स्प्रे, जिससे थोड़ा सा लुब्रिकेशन होगा और ये इजली अंदर चला जाएगा। तो ये WD-40 डालेंगे, शाफ्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा आ जाएगा, बस हो जाएगा काम उसी से ही बस। फिर आप किसी भी चीज़ से प्रेस कर लीजिए, इसे काम हो जाएगा आपका। ये अंदर की तरफ, ये देखिए एक बार में ही अंदर हो गया। अब ये प्रॉपरली फिट हो गया। अब हमने जो बाकी सामान निकाला था वो लगाएंगे। अब हम बेरिंग लगेगी, बेरिंग इजली फिट हो जाएगी। उसके बाद से आपको ये वाला लॉक लगाना है। अब क्या करना है, इसमें भी हमें एक सी क्लिप वाला लॉक लगाना है। ये छोटा वाला लॉक जो है, ये सी क्लिप, कोई मैग्नेट वाला पेच कस लीजिएगा।
और ये लॉक हो गया। अब उसके बाद से इसे लगाना है हमें, ड्राइव है ये, तो ये ड्राइव लगेगी। इसमें भी कट बना होता है, अगर आप ये देखेंगे तो इसमें भी कट बना होता है, तो कट के अकॉर्डिंग ही, शाफ्ट में जो कट है उसके अकॉर्डिंग ही लगेगा। ये हमारे डीपी के गियर लग के तैयार हो गए। अब आप अगर डीपी को यहाँ से घुमा के देखेंगे तो ईजली घूम रहा है, ये बहुत ही प्यार से, बिल्कुल स्मूथ हैंड से आपको दिख भी रहा होगा, मैं इधर घुमा रहा हूँ। तो बस यही एक छोटा सा प्रोसेस है इसको डीपी गियर को चेंज कर। उसके बाद से आप जो है अपना डेवलपर डालिए और डीपी लगा दीजिए दोबारा और यूज़ कीजिए फिर। दोस्तों आपने वीडियो देखी, आई थिंक मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। जिस हिसाब से हो सकता था मैंने डिटेल में कोशिश की आप लोगों को बताने की, तो समझ में भी आया होगा। अब बात कर लेते हैं कि डीपी के गियर हमने आखिरकार चेंज क्यों किए। इसके डीपी के गियर जो है स्लिप कर रहे थे, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी कि मतलब एक यूनिफॉर्म में प्रिंट नहीं आ रहा था, तो हमने फिर इसका डीपी का गियर चेंज किया। बट अभी जो है रिज़ल्ट एकदम परफेक्ट है, ओके है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाकर आप लोगों को भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी आती होगी, तो इसीलिए वीडियो बनाई। और खैर काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो आई है, तो इसके लिए खैर कुछ कहूँगा तो नहीं, लेकिन वीडियो डालने का मतलब ना डालने का कारण था कुछ, लेकिन वो कॉज क्लियर हो चुका है। और अब आपको कंटिन्यूस वीडियोस मिलेंगी, और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार जब मिलता है कुछ इस तरह से, कि आप लोग बोलते हैं कि बहुत समय से वीडियो नहीं आई और आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, व्हाट्सएप पे आप लोग जैसे कि कांटेक्ट करते हैं और हमेशा मेरे से मतलब बोलते हैं कि आप वीडियो आजकल क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे। तो कुछ प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने अब वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू की हैं और रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलेंगी। दूसरी चीज़, कुछ काफ़ी सारे लोग जो हैं वो प्रोडक्ट्स मांग रहे हैं, तो मैं प्रोडक्ट्स बहुत कम सेल करता हूँ। कारण है उसके पीछे कि गलत प्रोडक्ट सेल करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मार्केट के अंदर डुप्लीकेसी वाला प्रोडक्ट्स कुछ ज़्यादा है। कुछ प्रोडक्ट्स जो मेरे पास रहते हैं वो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, तो एनी टाइम आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ वही प्रोडक्ट दूंगा जो चलने लायक होगा, क्योंकि मैं जिससे खुश होऊंगा वही प्रोडक्ट मैं सेल भी करता हूँ, बाकी और भी अननेसेसरी वैसे कोई प्रोडक्ट नहीं। जैसे कि अभी मैंने अभी डीपी का गियर लगाया, मैं आपको डीपी का गियर दिखाता हूँ। ये हम लोग डीपी का गियर जो लेते हैं ये डीपी गियर जो हम लोग लेते हैं, ये होता है हम लोगों का टेफ्लॉन का डीपी का गियर, जो हम लोग यूज़ करते हैं ये हम लोग टेफ्लॉन के डीपी के गियर यूज़ करते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर अवेलेबल है प्लास्टिक के जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर टेफ्लॉन के गियर यूज़ करते हैं। तो कुछ चीज़ें, यही सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो परेशान करती है। अब जैसे कि एक गियर और मैंने जब जैसे डब्बा नीचे उतार ही लिया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वेस्ट पाइप असेंबली का, ये भी टेफ्लॉन का गियर है। वेस्ट पाइप असेंबली जो होती है ये दो का एक सेट होता है, ये दो गियर का एक सेट होता है, ये वेस्ट पाइप असेंबली में लगता है, ये भी 250 का ही गियर है और सेम इसका भी यही काम है। और जैसे कि एक गियर और दिखाता हूँ, ये गियर जल्दी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मैं इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारी जैसे ट्रे नहीं लिफ्ट होती है तो उसके लिए होता है ये सेक्टर गियर। ये हमारी जैसे ट्रे नंबर 1 और 2 ये लिफ्ट ना हो तो उसके लिए सेक्टर गियर होते हैं। और उसके बाद से हमने एक सेट बना रखा है कॉम्बो, बाईपास के गियर होते हैं आपके, अगर बाईपास के गियर कुछ प्रॉब्लम कर जाए तो उसके लिए ये 4 गियर होते हैं, एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये, ये 4 गियर होते हैं, ये आपके बाईपास में लगते हैं। मैं बहुत जल्द ही इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि बाईपास के गियर आखिरकार चेंज कैसे होते हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे ये चेंज करते हैं। और एक और छोटा सा गियर होता है जिसे हम बोलते हैं लिफ्ट अप गियर, बाईपास में जब बाईपास आपकी लिफ्ट नहीं होती है तो उसमें ये गियर लगता है छोटा वाला,
और इस छोटे से गियर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो कभी मेरे सामने अगर ये परेशानी आई तो मैं इसकी एक वीडियो बनाकर वैसे मैं डालूंगा वर्बली। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या तो फिर आप बता भी सकते हैं मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी। मैं वैसे लगभग सबसे ही टच में रहता हूँ कॉल पे। तो अगर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं ड्रम या फिर टोनर्स कौन सा यूज़ करें, या फिर आप क्या कहते हैं आपको कौन सा चाहिए ड्रम्स या टोनर्स, तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सस्ता माल खरीद के बेकार तो करना नहीं चाहता मशीन को, तो बहुत ज़्यादा चीपेस्ट नहीं, लेकिन हाँ एक बजट में मेरे पास में टोनर्स भी अवेलेबल रहते हैं, ड्रम्स भी अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आपको वो चीज़ें चाहिए होंगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, तो मैं उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा कि उसके रेट्स क्या हैं और लगभग उसकी एल्ड कितनी है, मतलब वो कितना चल सकता है। एक्सीडेंटल तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। खैर तो आप इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसके लिए अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊंगा। बाकी आपने वीडियो देखा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि किसी दूसरे की मदद हो जाएगी, क्या पता वो भी कहीं फंसा हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आज की आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है इस वीडियो के लिए, और लंबे समय के बाद आने के लिए एक बार नया कमबैक